उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अमरोहा पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। शहर की संकरी गलियों में लोगों को घरों से न निकलने और समझाने के लिए अब अमरोहा पुलिस साइकिल पर बैठकर काम कर रही है। अमरोहा पुलिस की इस पहल में एसपी और एसडीएम ने खुद साइकिल पर सवार होकर संकरी गलियों में लॉकडाउन की हकीकत जानी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। दरअसल अमरोहा पुलिस ने अब अपने पुराने वाहन का सहारा लिया है, वो सहारा है साइकिल। एक समय था जब ब्रिटिश सरकार में पुलिस की साइकिल घंटी बजाकर लोगों को जागने की आवाज लगाकर गश्त करती थी, आज उसी अंदाज में अमरोहा पुलिस भी साइकिल की घंटी बजाकर अमरोहा की संकरी गलियों में लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गश्त पर निकली है। पुलिस अधीक्षक ने आज शहर की संकरी गलियों में साइकिल पर सवार होकर जायजा लिया और जगह जगह लोगों को समझाकर इसका पालन कराया। साथ ही लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की और लॉकडाउन का पालन कराने की अपील भी की। साइकिल पर सवार होकर कैंपिंग की गई है, क्या है और क्या मैसेज करने की? जी, आज नगर कोतवाल और एसडीएम सदर साहब के साथ में हमने नगर का भ्रमण किया है, विशेषकर उन गलियों का जो शहर के अंदरूनी भाग है, और वहां पर जाकर क्या स्थिति है बंद की, वो स्थिति देखी है, लॉकडाउन की क्या स्थिति है, और लोगों की कोई समस्या हो तो उसको भी जानकारी की गई है। पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके बारे में पूछताछ की गई है, तो अभी तक स्थिति ठीक लगी है और कुछ कार्यवाही भी हमने की है। इस दौरान समय समय पर आकस्मिक रूप से चेकिंग की जा रही है ताकि लोग लॉकडाउन का गंभीरतापूर्वक पालन करें और हमारे कर्मचारियों का जो मोरल है वो हाई रहे। अच्छा सर, देखा गया साइकिलों में से जो क्यों किया गया इनका? क्योंकि पतली गलियों में हमारा इरादा था कि पतली गली में जाकर हम लोगों से बातचीत करें, कुछ हमारे जो कर्मचारी ड्यूटी पे लगे हैं उनकी समस्याएं जाने, तो इसके लिए हमने साइकिल का प्रयोग किया ताकि इतना से लोगों से बातचीत हो पाए और हम फीडबैक ले पाएँ कि उनको आवश्यक सेवा पहुँच रही है या नहीं, कोई किसी प्रकार की समस्या हो, कोई किसी को कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई सुझाव हो तो उसको हम दे सकें। इसके लिए साइकिल से आराम से